दोस्तों ये है हमारी ब्रेजा VXi, और VXi वेरिएंट में जो मारुति इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम दे रही है, ये वही इंफोटेनमेंट सिस्टम है जो पहले से कई गाड़ियों में मारुति यूज कर रही है। ये 7 इंच का स्मार्ट प्लस स्टूडियो सिस्टम है जिसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कार प्ले चलाने की फैसिलिटी मिलती है, लेकिन यहाँ पर आपको अपना फ़ोन वायर से कनेक्ट करना होगा जैसे कि मैंने यहाँ पर किया हुआ है। तो इसके ऊपर के जो वेरिएंट है दोस्तों उसमें आपको वायरलेसली एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार प्ले चलाने की फैसिलिटी मिलती है, बट किसी भी इंफोटेनमेंट सिस्टम में आप यूट्यूब ओपन नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको इसमें यूट्यूब ओपन करके दिखाने वाला हूँ। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जो यूट्यूब का ऐप है हमने इसको डाउनलोड किया हुआ है, और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर यूट्यूब ओपन हो गया। आप कोई भी जो है चीज़ को सर्च भी कर सकते हैं, जैसे कि हम अपने चैनल को सर्च करते हैं तो यहाँ पर हमारे चैनल का नाम आ गया, हम सर्च कर लेते हैं तो आप देख पा रहे हैं यूट्यूब बिल्कुल प्रॉपरली चल रहा है। हमने जो है अपना चैनल है वो ओपन कर लिया है। मैं कोई भी वीडियो को ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर जो है इंटरनेट भी जो है कनेक्ट होना चाहिए। देखिए हमारा जो वीडियो है वो यहाँ पर चल रहा है। तो आप इसमें YouTube चला सकते हैं। अब ये कैसे चला सकते हैं अगर आप ये जानना चाहते हैं तो कमेंट में मुझे बताइएगा, मैं एक सेपरेट वीडियो बना के आपको दूंगा जिसमें आप अपनी गाड़ी में YouTube को ओपन कर सकते हैं और चलती गाड़ी में भी आप YouTube को चला सकते हैं।